सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्म यज्ञ का विषय चल रहा है और हमने ब्रह्म यज्ञ में मनसा परिक्रमा के चार मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया है। चौथे मंत्र को भी लगभग लगभग क्या उसका आशय है और अपने जीवन में हम कैसे इसको उतारें, इसके लिए चर्चाएं हुई हैं। निसंदेह मनुष्य का जीवन यदि वह जो परमपिता परमेश्वर है, इसमें जो कहा कि उदीची दिक् सोमोधिपति ही स्वजो रक्षिता शनि ऋषभा, वो जो सोम है वो हमारे जीवन में स्फूर्ति, हमारे जीवन को जो है कल्याण से भरने वाला है, वह हमारे लिए कल्याणकारी बना हुआ है। अनेक वेद मंत्रों में सोम का जो है प्रकरण आता है, सोम का नाम आता है, उसका गुणगान किया जाता है, क्योंकि यह सोम हमारे लिए बहुत कल्याणकारी है। वह सोम सर्वोत्पादक है, सबका उत्पन्न करने वाला है, वह पूषा है, पोषण करने वाला है, वह पुनानह है, वह पवित्र करने वाला है, और वह रई संपूर्ण धन ऐश्वर्य का स्वामी है। यह संसार और उभय रोदसी द्युलोक और पृथ्वी लोक दोनों का बनाने वाला है। अतः उस परमात्मा के प्रति, उस सोम शक्ति के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। और स्वजह जो मंत्र में आया था उसका एक ही भाव था, स्वजह जो अपने आप बुरे विचार हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे जो कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव है उनको बार बार जो नष्ट करने का काम करते हैं, उन स्वजों को हमसे जो है दूर करें, हमारी रक्षा करें। जैसे उदाहरण मैंने दिया था कि फसल बोने के लिए कृषक जो किसान है वो भूमि को तैयार करता है, खेत को तैयार करता है, लेकिन फसल बोने से पहले ही उसमें खरपतवार अपने आप ही हो आते हैं। चाहे कोई भी फसल हो, उसके साथ साथ जो है बीज बोया है या उसके पहले ही उसमें खरपतवार आ जाते हैं, तो ये खरपतवार हमारी फसलों को दबाते हैं, नष्ट करते हैं। वैसे ही हमारे अंदर के जो शुभ गुण है, शुभ कर्म है, शुभ विचार है, वो भी इन बुरे विचारों के द्वारा दबा लिए जाते हैं, बुरे कर्मों के द्वारा दबा लिए जाते हैं, जिससे हम कल्याण को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो हम जब प्रभात में और सायंकाल में, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद जब हम संध्या के लिए बैठते हैं, तो इन मंत्रों का जब जाप करेंगे, इनका अर्थ चिंतन करते हुए उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ेंगे, तो वो भाव हमारे अंदर आएगा कि ये जो बुरे विचार हैं, जो बुरी संगति है, बुरे व्यवहार हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यवहार हैं, दुर्विचार हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए ऋषियों ने कम से कम दो समय तो करना ही चाहिए, और किसी को करना है तो त्रिकाल संध्या का विधान किया गया है शास्त्रों में। अतः ये जो मनसा परिक्रमा का चौथा मंत्र है, यह विशेष है हम सबके लिए। और आगे की बात कह रहे हैं कि जो पांचवा मंत्र है इसको आप लिखेंगे। पांचवें मंत्र में भी विशेष बात कही है कि ध्रुवा उदीची के बाद ध्रुवा दिक् विष्णु अधिपति ही, ध्रुवा
ध्रुवा दिग विष्णुराधिपति विष्णुराधिपति कल्माश ग्रीवो कल्मश ग्रीवो रक्षिता रक्षिता वीरुध इशवः वीरुधेशवः तेभ्यो अब उसके बाद वैसे ही मंत्र हम समझ सकते हैं, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं। तेभ्यो नमो अधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो, इधर लिख देता हूं मैं, रक्षितृभ्यो नमः इषुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योस्मान योस्मान द्वेष्टि यम वयम
द्विष्मस्तम् वो जंभे दधमः। उच्चारण करेंगे, ओम ध्रुवादिक विष्णुरधिपतिः कल्मश ग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः। ओम ध्रुवादिक विष्णुरधिपतिः कल्मश ग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः। तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो वस्तु। तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम भ्यो नम एभ्यो वस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं जम्भे दध्मः। अथर्वेद का यह मंत्र, यहां पर यह पांचवा जो मंत्र है मनसा परिक्रमा का, इसमें भी विशेष बात उस ईश्वर को जो है हमारे लिए जो कहा कि ध्रुवा जो नीचे की दिशा, और जो विष्णु व्यापक प्रभु विष्णु व्याप्त जो सर्वत्र व्याप्त है, ऐसा वह प्रभु अधिपति स्वामी है। कल्माश ग्रीवो, जो कल्माश ग्रीवह है अर्थात जो कल संख्याने बुद्धिर जानम, जान जो जान नाशक मोह अज्ञान को निगलने वाला है, दूर करने वाला है, उसको जो है कलमश बोलते हैं, अंधकार को अज्ञान को, उस कलमश को नष्ट करने वाला है। और रक्षिता है रक्षा करने वाला है, विरुद्ध विविध प्रकार से उपदेश करने वाला है, वेद आदि ज्ञान को देने वाला है। जो ईश्वर अज्ञान को दूर करने वाले हैं, उसी प्रकार से उसको हम बार बार नमस्कार करते हैं, और अपने गुणकर्म स्वभाव से हम बहुत ही अच्छे बने, हमारे अंदर के जो द्वेष हैं या त्रुटियां हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे लिए कोई जो है बुरा सोचता है या हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, ईर्ष्या द्वेष जो करते हैं दूसरों से, वो आपकी जो है न्याय व्यवस्था में छोड़ते हैं, आप हमारा और उसका कल्याण करें। जैसा कहा कि नीचे की दिशा में विराजमान व्यापक प्रभु हमारा स्वामी है, वही हमारे भीतर छिपे हुए ज्ञान नाशक मोह अविद्या रूपी अंधकार को निगलने वाला है, हटाने वाला है, वह हमारा रक्षक है, विविध प्रकार से ज्ञान का उपदेश करने वाला है। वेद या उसकी अंतः प्रेरणाएं, एक तो वेद का ज्ञान देता है, और हमारे अंदर जो सद्विचार हैं, जो हमारे अंदर अच्छी भावनाएं हैं, अच्छी कामनाएं हैं, उनको वह हमारे अंदर प्रेरणा के रूप में हमको देता है, और तदनुसार हम आचरण करके जीवन को सफल बनाते हैं। अतः वह हर प्रकार से सर्वव्यापक परमेश्वर स्वामी मोह अज्ञान को दूर करने वाले रक्षक हैं, उसके अज्ञान नाशक वेद या अंतः प्रेरणा रूपी ईश्वर के लिए हमारा नमस्कार है, हमारे अंदर जो कुटिलता युक्त व्यवहार है उसको वो दूर करें, और हमारा जीवन बहुत ही शुद्ध पवित्र निष्कलंक और चरित्रवान बने, हम ऐसा सामर्थ्य हमारे अंदर आए।
ऐसी भावना के साथ यह प्रार्थना हमको करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी भावनाएं अच्छी होंगी तो हम बुराइयों से बचेंगे, हमारे अंदर की जो कुटिलता है, जो हमारे अंदर का दोष है, वो जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से हमारे अंदर दिखाई पड़ना चाहिए, हमको महसूस होना चाहिए कि मैं कैसा हूं। जब तक व्यक्ति को ये महसूस नहीं होता कि मेरा स्वभाव कैसा है, इसको मुझको ठीक करना है, तब तक वो ठीक नहीं कर सकता है। चिकित्सक के पास जाते हैं, वो पहले आपकी जो है परीक्षा करता है, परीक्षा करने के बाद ही आपको कोई औषधि का परामर्श देता है, दवा देता है, इंजेक्शन देता है, जो भी, क्योंकि जब तक रोग का पता नहीं चलेगा तब तक कौन सी औषधि दी जाए ये कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता है। तो संसार में हर प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे आपको, अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे, व्यवहार भी अच्छे भी मिलेंगे और बुरे भी मिलेंगे। तो हमको क्या कल्याणकारी हमारे लिए है उसका हमको ध्यान देते हुए निश्चित रूप से उसका मापदंड हमको सुनिश्चित करना चाहिए कि भाई ये जो विधि और निषेध है, वेदों ने जो मापदंड हमारे लिए बनाया है, उससे हमको इधर से उधर नहीं जाना। जो नियम, जो संविधान मनुष्य के लिए ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, उनका हम आचरण करेंगे तो संसार की बुराइयों से बचेंगे। संसार की बुराइयों से बचने का ये बहुत बड़ा उपाय है कि अपने आप को हर पल हर क्षण सजगता में रखें, और वह सजगता कब आएगी, जब आप प्रभात में और सूर्यास्त के बाद सायंकाल में शांत होकर के, दत्त चित्त होकर के उसका ध्यान करेंगे, संध्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको इसकी जो है जान की जो सामर्थ्य है वो प्राप्त हो जाएगी। हम 24 घंटे में कम से कम कुछ तो समय निकालें, बेहोशी में हम जीते रहते हैं जिससे हमारे अंदर बुराइयों का अंबार लग जाता है, कुसंस्कार हमारे अंदर बहुत तेजी से पनपने लगते हैं और वह फिर हमारे जीवन को नरक की ओर ले जाता है, हम पापी हो जाते हैं। अतः पाप से बचने का उपाय और अपने को सरल स्वभाव से युक्त करने का उपाय क्या है, ब्रह्म यज्ञ, संध्या। इसलिए ये किसी कवि ने कहा कि जीवन में कुछ भी हम करें अपयश को प्राप्त ना हो, बुराइयों को हम कभी भी गले ना लगाएं, बुराइयों से सदा सर्वदा हम दूर रहें, और ऐसा भाव जरूर होना चाहिए। कुछ पंक्तियां उन्होंने लिखी, मैं आपके समक्ष जो है जापिन करना चाहूंगा, क्योंकि हम कोई शब्द हमको अच्छा लगता है और पता नहीं वो कब दिल में लग जाए और वो हमारे जीवन का जो कुमार्ग है उसको सुमार्ग की ओर मोड़ दे, जो हमारा कुपथ है उसको सुपथ की ओर मोड़ दे। इसलिए ये जो उपदेश है या भजन है, गीत है, ये भी वेद मंत्र से कम नहीं होते हैं। तो किसी कवि ने ये भाव प्रकट किया है, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए, बुरी संगति जहां देखो वहां जाने से शर्माओ, बुरी संगति जहां देखो वहां जाने से शर्माओ, कहीं सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, कोई कितना भी क्यों ना हो
बड़े घर बार धन वाला। किसी किसी को अपने जो है अहंकार से इतना वो लद जाता है कि मैं तो बहुत धनवान हूं, मैं तो चाहूं तो सब कुछ खरीद सकता हूं। इतना अहंकार बढ़ता है कि व्यक्ति किसी को कुछ समझता ही नहीं है। तो कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति हो, लेकिन यदि उसके अंदर मानवता नहीं है, उसके अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, एक दूसरे के परस्परता का उसको ज्ञान नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति धनी हो चाहे मानी हो चाहे बलवान हो, उससे हमको क्या लेना देना। इसलिए कहा, कोई कितना भी क्यों ना हो, बड़े घर बार धन वाला, जहां स्वागत नहीं होता वहां जाना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए, लगे पेड़ों पे फल जो ही झुके सब डालियां उनकी, लगे पेड़ों पे फल जो ही झुके सब डालियां उनकी, यहाँ धन और दौलत पर कभी इतरा ना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए, अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा, अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ कर बाबा, मगर दुत्कार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए, निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत छूना। अपमान भी मिल रहा है लेकिन लोगों को लगता है कि ये धन मिले, धन के गुलाम हो गए, धन के दास हो गए, जबकि कहा कि धन के स्वामी वयम श्याम पतयो रही राम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे, लेकिन आजकल धन कोई दे दे और जो कुछ कराना चाहता है करा ले, वो ईमान से गिर जाता है, पतित हो जाता है। इसलिए यहां पर कहा, निरादर से मिले दौलत जमाने की तो मत छूना, मिले जो प्रेम से तिल भर तो ठुकराना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, पड़ा भट्टी में जब सोना तभी वह बन गया कुंदन, पड़ा भट्टी में जब सोना तभी वह बन गया कुंदन, प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए, प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है इसे खाना नहीं चाहिए। तो इस जहर को ये पता नहीं चलता और हम इस पॉइजन को पीते रहते हैं, ईर्ष्या का, द्वेष का, छल का, कपट का, क्रोध का, काम का, वासना का, एक दूसरे की टांग खींचने का विष, ये जो है हम पीते रहते हैं, मीठा जहर है और कुछ लोग इसके आदि हो जाते हैं। मन में बहुत एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रहती है और ऊपर से केवल मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, तो ये विष के समान है, इसको कभी भी हमको पीना नहीं चाहिए, ये
हमारे जीवन को और इस जगत को भी नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए अपने स्वभाव को हम सत्संग से और स्वाध्याय से जो है अच्छा बनाएं। ये जो ब्रह्म यज्ञ है, जो संध्या है, ईश्वर की उपासना है, उसके साथ हम निश्चित रूप से अपने जीवन को बहुत उत्तम, बहुत महान बना सकते हैं। तो ये पांचवें मंत्र का जो भाव है कि जो नीचे की ध्रुवता एवं स्थिरता की दिशा में विष्णु सर्वव्यापक सबको संगठन में रखने वाला अनुशासनात्मक शासक अधिपति दिशापति है। कलमाश ग्रीवः रंग बिरंगे वनस्पति लता पेड़ पौधे जिसके ग्रीवा के समान है, जिसके गर्दन के समान है, उसी के इशारे पर विरुधः नीचे से ऊपर की ओर उठ करके मुक्त कंठ से समवेत स्वरों में दिशाधिपति के ही गुण गा रहे हैं और ईश्वर हमारे पथ प्रदर्शक बन रहे हैं। इन्हीं की भांति नीचे से ऊपर उठे तपस्वी स्वाध्यायशील आप्त पुरुष बाण रूप हमारे मार्गदर्शक हैं। यह दिशाधिपति ही हमारे रक्षक हैं। हम इनकी ही शरणागति को प्राप्त हो और ये हमारे अंदर के जो दुर्गुण हैं, जो हमारे अंदर की जो कमियां हैं, हमारे अंदर की जो भूलें हैं, हमारे अंदर का जो अधर्म का भाव है, अन्याय का भाव है, या हमारे प्रति दूसरे का ऐसा भाव है, तो वो सब उस परमात्मा की न्याय व्यवस्था में हम समर्पित करते हैं। वह न्यायकारी है, दयालु है, उपकारी है, वो हमारी सर्वत्र और सब दिशा से रक्षा करे। तो आज की कक्षा में इतना ही। इस मंत्र की व्याख्या अगली कक्षा में और करेंगे, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।